सभी भाइयों को सुरेंद्र सन सनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज एक बार फिर हम मिंगणी खेड़ा गांव में हैं और मैं कहूंगा ये जो गांव है हरियाणा की सबसे ज़्यादा वैसे यहां से मैं कहूंगा पशुओं का सेल परचेज का काम, पहले इतनी हमें इस एरिए की समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम समझ रहे हैं बहुत काफ़ी वैसे यहाँ से बिक के ऑल ओवर इंडिया में जाती हैं और काफ़ी अच्छा साफ सुथरा काम है। अगर इतनी वैसे यहाँ से बिक के जाती हैं तो मान के चलें आप साफ सुथरा काम होगा तभी बिक के जाती हैं। तो आज बहुत ही शानदार शानदार झोटियाँ मैं कहूँगा लेने वाले भाई आए हुए हैं, उनसे भी मिलवाऊँगा, महाराष्ट्र में जाएंगी और काफ़ी अच्छे पशु, काफ़ी सारी वीडियोज़ हम जो गाड़ियाँ लोड होके 8-10 भैंसों की जाती हैं मैं आपको काफ़ी बार दिखाता हूँ, लेकिन आज आप वीडियो में देख पाएंगे कि जो क्वालिटीज़ है भैंसों की वो बहुत ही बेहतरीन है। तो सबसे पहले मैं दोबारा से एड्रेस बताना चाहूँगा, गांव का नाम मिंगणी खेड़ा और ज़िला हिसार है, हिसार से बगला रोड पे ये गांव है और मैं कहूँगा मुर्रा का भैंसों का गढ़ है और यहाँ से काफ़ी सारी भैंसें बिक के पूरी इंडिया में सप्लाई होती हैं और दूध का मैं कहूँगा इंडिया का पेट भरने वाला गाँव, कुछ परसेंट मैं इसको ज़रूर योगदान दूँगा और यहाँ के जो सेल परचेज का काम करने वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छा और तसल्ली का काम कर रहे हैं। एक वीडियो हमने इस फार्म की पहले भी बनाई थी, आज दोबारा से वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी वैसे जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं वीडियो में कि बहुत भारी और अच्छी क्वालिटी की मुर्रा नस्ल की वैसे यहाँ खड़ी हैं। इनको पूछेंगे भाई साहब से डिटेल से कितने की भैंस ली है, कितने की बेची है और कितना ये दूध दे रही है, सारी बातें डिटेल से पूछेंगे। आ जाओ भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका। महावीर सिंह नाम है भाई। महावीर सिंह। तो भाई साहब कितने सालों से कर रहे हैं पशुओं का सेल परचेज का काम? सेल परचेज का 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो भाई साहब कहाँ कहाँ सप्लाई है अपनी भैंसों की? आंध्र प्रदेश, हाँ हाँ, कर्नाटका, हाँ हाँ, हाँ हाँ, और जबलपुर, रायपुर, अच्छा, और कलकत्ता तक। अच्छा, कलकत्ता तक पशु आपके सेल होके जाते हैं। तो भाई साहब ये जो भैंस है आज कितनी भैंस दिखाएंगे आप हमें? आज आपको हम 10 दिखाएंगे। अच्छा 10 दिखाएंगे। तो ये कहाँ पे जा रही हैं सेल होके? ये कोल्हापुर। कोल्हापुर, ठीक है। तो ये जो एक नंबर पे भैंस बंधी हुई है ये कौन से ब्यात की है? ये तीसरी ब्यात की है। अच्छा, दूध अभी कितना दे रही है भाई साहब? 23 लीटर भाई साहब। अभी फिलहाल 23 लीटर। 23 लीटर। अच्छा, तो पिछले साल कितना दिया था? अच्छा अच्छा, इसको दिखाना भाई साहब खोल के एक बार। ये देखिए तीसरे ब्यात की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही भारी और लंबाई ऊंचाई देखें आप, बहुत ही बढ़िया। और 23 लीटर दूध बहुत ही ज़्यादा होता है, मैं कहता हूँ 15-16 किलो दूध से ऊपर दूध देना एक भैंस के लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखें बहुत ही हाइट लेंथ बहुत ज़बरदस्त है भैंस की और क्वालिटी बहुत ही शानदार। ले आओ भाई वापस। और काफ़ी अच्छी लंबाई ऊंचाई की, इसके साथ कटड़ा है क्या? कटड़ी जी, कटड़ी है साथ में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र में जाएगी और साथ में कटड़ी है। अडर देखिए बहुत ही अच्छा है, चारों थन बिल्कुल अलग अलग और काफ़ी भारी और वजन, हाइट बिल्कुल बहुत अच्छी हाइट लेंथ की है जी। तो भाई साहब इसने कितने में सेल की है ये भैंस? 1,22,000 की, मात्र 1,22,000 की भैंस भाई साहब ने दी है। हाइट देखिए भाई साहब के बिल्कुल बराबर लग रही है, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और सबसे जो मेन चीज़ है वो रेट, 1,22,000 बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अडर देखिए बहुत ही शानदार, थनों की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया। जितना भी बोल रहे हैं 23 किलो दूध कहना आसान है लेकिन तोल के दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा 2 बाल्टी एक टाइम की दूध के निकले, बहुत सारी भैंसें 4-5 लीटर एक टाइम पे आके रुक जाती हैं, लेकिन भैंस देखिए साइज में बहुत ही शानदार। इससे आगे 2 नंबर पे एक और पहले ब्यांत की बहुत अच्छी जोटी बंधी हुई है, ये खीरी है जी। हाँ, ये दांत भी नहीं किए भाई साहब। अच्छा, खीरी है। और दूध कितना दे रही है जी अभी? ये 5 दिन की बच्चा हुआ, अभी तक 11 लीटर दूध है इस टाइम पे। 5 दिन की ब्याई में 11 लीटर दूध है। तो ये कितने की सेल की है जी? खोल के दिखाइए। 1,15,000 की। 1,15,000 रुपए की सेल की है और बहुत ही 14 लीटर तक दूध आराम से करेगी। बिल्कुल आराम से करेगी जी 14 लीटर तक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जोटी है। मैं कहूँगा जो आज तक हमने जितने भी पशु आपको दिखाए हैं जो गाड़ियाँ लोड होके जाती हैं, शायद ही आपने कोई ऐसा पशु, इतने अच्छे पशु देखे होंगे कि 10-10, 12-12 एनिमल इतनी अच्छी क्वालिटी के कहीं आपको दिखाई दिए हों।
ले आओ वापिस। पेट पुट्ठा बहुत ही अच्छा, और ये देखिए चेहरा, जो सींग है वो बहुत ही सुंदर है, और अड्र की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी वो भी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आज वीडियो बना के। अच्छे अच्छे एनिमल अगर हम देखते हैं तो एक दिल भी खुश होता है कि एक पशुपालक बढ़िया पशु देख रहा है। इससे आगे तीन नंबर वाली भाई साहब आगे आ जाओ। ये आज ही बच्चा दिया सुरेंद्र भाई। अच्छा ये आज ही दिया है। ये कितने दूध किया जी? यहीं आ जाओ इधर। ये 16 लीटर दूध किया है। अच्छा 16 लीटर दूध किया है। दूसरे ब्यांत की 16 लीटर दूध तक निकाल देगी। ये कितने में दी है जी? 1,10,000 की दी है। 1,10,000 में दी है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए भैंस, इस साइड ले, इस साइड आराम से। सारी भैंसा नीचे साइड लिए। 16 लीटर दूध 1,10,000 रुपए की भाई साहब बता रहे हैं। और अर्डर देखिए, चारों थनों का गैप देखिए, मैं कहूँगा लगभग एक एक फिट का गैप है। बस ले आओ भाई, शो क्वालिटी की जोटी और बिल्कुल ही रीजनेबल प्राइस, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, जो रेट है वो भी बहुत ही रीजनेबल, और जो एनिमल्स की क्वालिटी आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जैसा कि मैं कह रहा था, एक एक फिट का फासला है थनों का। आज ही ब्याई है तो आप देख सकते हैं, अगर इंची टेप हमारे पास होता तो एक फिट से भी कुछ ना कुछ ज़्यादा फासला आप देख पाएंगे अर्डर का। इससे आगे ये चार नंबर भाई साहब, इसके नीचे अभी 17 लीटर दूध तैयार है सुरेंद्र भाई। 17 लीटर दूध अभी तैयार है, ठीक है। 17 लीटर क्यों, कौन से ब्यांत की है ये? दूसरे ब्यांत की। ये कितने की सेल की है जी? 1,05,000 रुपये की। इसको भी दिखाना खोल के। बहुत ही बढ़िया, दूध भी बहुत अच्छा और रेट भी मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल। ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की और साफ़ सुथरी जोटी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। ऐसे पशु जो भी लेके जा रहे हैं, मैं देखने वाले भाइयों को भी कहूँगा कि अच्छे सीमन का इनके ऊपर आप यूज कीजिए, ताकि इनसे कटड़े कटड़ियाँ आप अच्छे पैदा हो। आगे जो भी कटड़े कटड़ियाँ ले वो बहुत ही अच्छे हों, तो सीमन का चुनाव ज़रूर अच्छा करें, या बुल भी लेके जाएँ साथ में। मैं वीडियो जितने भी बना रहा हूँ, जो भी पशु बिक के जा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि कोई भी फार्मर बुल लेके नहीं जा रहा है, सब वैसे वैसे लेके जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ पे ले जाने के बाद इनसे आगे इन फ्यूचर बच्चे कैसे लेंगे। कोई भी अच्छी क्वालिटी की भैंस, अगर हम उससे 10 बच्चे अच्छी क्वालिटी के नहीं लेते, 10-12 बच्चे, तो भैंस रखने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आगे वाली के बारे में भी बताओ जी। एक टाइम का 9 लीटर दूध है, दूध और तीसरे ब्यांत की। ये कितने में सेल की है जी? 1,04,000 में। 1,04,000 में 18 लीटर दूध तीसरे ब्यांत की। दिखाना भाई इसको भी खोल के, और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर की और बहुत अच्छी छोटे साइज की है, ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जो हमारी मुर्रा होती है वो नस्ल है। और जो इसकी जो बच्चे इन फ्यूचर आएंगे वो बहुत ही बढ़िया आएंगे, ब्रीडिंग के हिसाब की मैं कहूँगा बहुत अच्छी भैंस है। ले आओ भाई, चमक देखिए भैंस, बहुत ही बढ़िया। जो कटड़ी है इसके नीचे भी, सभी कटड़ियों वाली भैंस है, कमाल है भाई साहब। 10 की 10 भैंस कटड़ियों वाली, बिल्कुल 10 की 10 के बदले में 20 भैंस लेके जा रहे हैं, सही बात है जी। इससे आगे वाली का बस आप रेट और दूध बताते रहें भाई साहब, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। ये कितने दूध वाली है जो आगे वाली है? 14 लीटर दूध। और कौन से ब्यांत में है ये? सेकंड ब्यांत में, दूसरे ब्यांत में 14 लीटर दूध। इसका क्या रेट है जी? 90,000 रुपये, बहुत ही बढ़िया। और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस कारण से खोल के एक एक पशु को दिखाना बहुत मुश्किल है। ये भी देखिए आप, ऑर्डर बहुत अच्छा है, जोटी का क्वालिटी भी अच्छी है, रेट जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही रीजनेबल। आगे आ जाओ जी, इसके बारे में भी बताओ। भाई छह दांत है दूसरे ब्यांत में, और अभी इस टाइम पे 15 लीटर दूध तैयार है। 15 लीटर, ये कितने में सेल किया जी? ये 85,000 की। ये 85,000 की, बहुत ही रीजनेबल, बहुत बढ़िया। इससे आगे आ जाओ जी, ये शायद ये बच्चा देने वाली है 2 महीने में। अच्छा 2 महीने में बच्चा, 2 महीना इसका बाकी रह रहा है। पिछले ब्यांत में 14 लीटर दूध दिया था हमारे घर की है। अच्छा, और ये भाई साहब ने खरीदी कोल्हापुर वाले ने। अच्छा ये कितने की दी है जी? 80,000 की दी भाई। ये 80,000 की दी है, ये भी बहुत अच्छी जोटी दिखाई दे रही है। थोड़े से माथे में व्हाइट बाल है, लेकिन दूध की अच्छी रहेगी। कितना दूध देती है जी? 14 लीटर दूध था इसमें पिछले साल। अच्छा 14 लीटर, ठीक है। इससे आगे एक और बहुत ही अच्छी जोटी, ये भाई साहब ये सेकंड ब्यांत की है।
अच्छा ये दूध 13 लीटर दूध है अभी ऑलरेडी क्या दूसरे ब्यांत की 13 लीटर दूध। ये कितने की सेल की है? ये 80,000 रुपए की। ये देखिए बहुत ही अच्छी, ये भी हाइट लेंथ बहुत बढ़िया है और रेट मैं कहूँगा बार बार के बहुत ही रीजनेबल। इससे आगे भी 3-4 एनिमल हैं जो कि भाई साहब के पास। भाई ये छोटी तो बहुत है। हाँ हाँ लेकिन दूध इसके अंदर आज 12 लीटर तैयार और पहला ब्यांत की है। अच्छा पहले ब्यांत की है। दो टाइम निकाल के लिया है 6-6 लीटर दूध। अच्छा 12 लीटर दूध आज इसमें तैयार है। बिल्कुल। कितने की दी है जी? 75,000 की। 75,000 की। खोल के दिखाना छोटे भाई इसको। 75,000 की दी है और 12 लीटर दूध पहले ब्यांत की। कितने दांत है? 4 दांत। 4 दांत बहुत ही बढ़िया। पास करके दी दो टाइम। बिल्कुल इतनी दूर से आए हैं खुद अपनी भैंस लेने के लिए तो अच्छी ही ली होगी भाई साहब। और दो टाइम चुवाई के बिना तो फायदा ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया जोशी लेडर की है। काफ़ी शानदार बहुत अच्छे अच्छे पशु लिए हैं भाइयों ने लगभग सभी के सभी। इससे आगे वाली भाई साहब दो ही दांत है। अच्छा ये 2 दांत। ये कितना लीटर की है? अच्छा ये कितना कितने की सेल की है? 70,000 रुपये की। ये 70,000 रुपये की सेल की है। और आगे शायद आपके घर के पशु हैं? ये हमारे घर के पशु। अच्छा अच्छा और बच्चिया साहिवाल? बच्चिया साहिवाल। अच्छा ये भी घर पे? हाँ ये घर की। इसकी माँ तो वहाँ चली गई थी महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा उसी की बच्चिया है। तो ये देखिए बच्चिया भी 15 लीटर दूध दिया था। अच्छा जो कोने में गाय खड़ी है। ठीक है ठीक है। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छी है बच्चिया। और थोड़ी सी शायद गिर मिक्स दिखाई दे रही है क्योंकि कान इसके काफ़ी बड़े हैं। हाँ ये साहिवाल है। ठीक है तो काफ़ी सारे पशु भाई के वो 18 महीने की सुरेंद्र भाई। अच्छा जो एक नंबर पे खड़ी है। हाँ हाँ ये देखिए काफ़ी सुंदर बच्चियाँ हैं। और गाय जो है हम भी एक अपने फार्म पे लेके आए हैं और जब भी फार्म पे जाते हैं दिल खुश हो जाता है देखते ही। बहुत ही बढ़िया गाय। मैं तो कहूँगा कि हर भाई को एक एक दो दो गाय रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बहुत शानदार। बांध दो भाई साहब। तो भाई साहब ये जो पशु आप बेच रहे हैं इनको फीड वगैरह में क्या दे रहे हैं? फीड वगैरह भी इसमें भैया खड़ और छुरी है, चने की छुरी और खड़ है। अच्छा ये दो ही आइटम देते हैं या कुछ और? कभी चोकर डाल देते हैं बस ऊपर गेहूं का चोकर। ठीक है तो भाई साहब आप आना एक बार महाराष्ट्र से जो भाई आए हुए हैं आ जाओ आगे। सबसे पहले तो सभी भाइयों को भाई हरियाणा में पहुंचने पे मेरी तरफ से नमस्कार सभी भाइयों। तो भाई साहब सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि कहाँ से हैं आप? जिला कौन सा है अपना? हम लोग कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कोल्हापुर जिले से हैं। और गांव कौन सा है जी? कागल तालुका में कोलगे गाँव है। कोलगे? कोलगे। अच्छा तो सभी भाई एक ही गाँव से है आप? हाँ, एक ही गाँव से। अच्छा तो भाई साहब ये सारे पशु आप कितने आदमी आए हैं वहाँ से? हम लोग 6 आदमी आए। 6 आदमी आए हैं और 10 भैंसे लेके जाएंगे। 10 भैंसे लेके जाएंगे। तो कितने एक आदमी एक एक दो दो भैंस ले रहे हैं? तो घर पे रखते हैं या डेयरी फार्म बना रखा है आपने? अच्छा घर पे यूज करेंगे सभी पशु। तो इतने अच्छे अच्छे पशु आप लेके जा रहे हैं भाई साहब वहाँ पे सीमन वगैरह यूज करते हैं या बुल रखते हैं अपना? सीमन यूज करते हैं। तो सीमन भी आप हरियाणा से अच्छी क्वालिटी का लेके जाइए क्योंकि इतनी अच्छी भैंसे जो आप लेके जा रहे हैं और इनसे अगर आगे कटड़ियाँ आप अच्छी नहीं लेंगे तो आप हरियाणा पे ही डिपेंड रह जाएंगे। ये भी मैं बताऊं आपको अगर इनसे अच्छी कटड़ियाँ लेंगे तो हरियाणा पे डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा सीमन लीजिए। जो भी वीडियो देख रहे हैं बाहर से भी जो पशु लेके जाते हैं मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अच्छी भैंसों से अच्छे पशु लेंगे तभी फ़ायदा है। तो भाई साहब दूध वगैरह का क्या रेट है आपके वहाँ पे? हमारे यहाँ तो 55 रुपये लीटर है। 55 रुपये गाँव में 55 रुपये सेल हो जाता है? हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो कैसा लगा भाई साहब यहाँ जो आप पशु ले रहे हैं भाई साहब के पास तो क्या कैसा व्यवहार रहा? कैसे पशु दिलाए हैं? कितने टाइम आपने चोया है? सारी बातें बताइए हमें। अभी तो हम लोग इधर हरियाणा में पूरा नया आए हैं। हाँ हाँ। एक दो महीने से हम लोग खोज कर रहे थे। अच्छा एक दो महीने पशु नामी शोधत होतो की चांगला एखादा डीलर मिळायसाठी। पण आम्ही पूर्ण ह्या परिसराचा अभ्यास केल्यानंतर आमच्या असं लक्षात आलं की महावीर भाईंच्याकडून म्हशी घेतलेल्या आपल्याला चांगल्या दुधाच्या आणि व्यवस्थित मिळतील। आमच्या भागामध्ये त्यांच्या जवळपास 1001 म्हशी आमच्या भागामध्ये आलेले आहेत। सांगली कोल्हापूर चिकोडी या भागामध्ये जवळजवळ 1001 म्हशी त्यांच्या आलेल्या आहेत आणि त्या महावीर भाईंचा आम्हाला व्यवहार अगदी बाकीच्या एजंटपेक्षा आम्हाला एकदम सुंदर आणि चांगला वाटलं। त्याच्यामुळे आम्ही 2-3 महिने सगळीकडे यूट्यूब हे चॅनेल हे सगळं सर्च केल्यानंतर महावीर भाईंच्याकडे येण्याचा निर्णय घेतला।
आप शायद ये कह रहे हैं हमने YouTube से सर्च करके महावीर भाई को सेलेक्ट किया, हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप मराठी में बोल रहे हैं, कोई थोड़ा सा एक बार हिंदी में भी बता देते तो जो हिंदी देखने वाले, हिंदी में समझने वाले भाई हैं उनको भी समझ में आता, थोड़ा शॉर्ट बता दीजिए जल्दी जल्दी। हम लोग क्या किया, सब इधर हरियाणा का जो जो डीलर है, उनका कई यूट्यूब है, कई और लोगों से है, पूरा जानकारी लेके, उनमें से हमको महावीर भैया का व्यवहार अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग उनके पास। तो यहाँ कितने टाइम मिल्किंग की आपने पशुओं की? हाँ, हम लोग तीन टाइम मिल्किंग देखा है। अच्छा, तीन टाइम मिल्किंग देखी है, ठीक है। तो अच्छे सभी, मैं तो कहता हूँ काफी अच्छे पशु खरीदे हैं भाई साहब आपने, बहुत बढ़िया। और कम रेट में कोई 60-70 हज़ार में भी पशु ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का, अगर उसमें 10-20 हज़ार और डाल लेंगे तो उसी में अच्छी क्वालिटी आ जाएगी। ज़्यादा लो क्वालिटी का एनिमल इतनी दूर से अगर आप लेके जा रहे हैं तो मैं उसको ज़्यादा फायदेमंद नहीं मानता उस बात को। और भाई साहब क्या कहना चाहेंगे वहाँ महाराष्ट्र के किसानों को या हरियाणा के जितने भी लोग देख रहे हैं? हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि जो भी भैंस लेनी है वो अच्छी लेनी है, और जो महाराष्ट्र के जो हमारे लोग हैं उनको कहना है कि कहीं धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छा आदमी देख के अच्छा आदमी के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, धोखाधड़ी भाई साहब बहुत कम होती है आजकल, वैसे ट्रेंड बना दिया लोगों ने कि वहाँ से ठग लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत कम कुछ परसेंट आदमी है, कोई एक आध आदमी इक्का दुक्का आदमी होगा वो सभी को ख़राब कर देता है। बाकी हरियाणा में ऐसा कुछ है, ऐसा सिस्टम नहीं होता। आप आधी रात को भी अगर 10 लाख रुपए लेके निकलेंगे तो यहाँ कोई हाथ देने वाला शायद ही आपको कोई मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हरियाणा में आने के लिए और यहाँ से भैंस लेने के लिए। ठीक है भाइयों, बहुत अच्छी जो भाई साहब ने भैंसे कोल्हापुर ये जा रही हैं और काफ़ी अच्छा इनका काम है, बहुत बढ़िया, और भैंसे भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो बहुत ही अच्छा काम भाई साहब कर रहे हैं कि इंडिया में जो पूरी इंडिया में इनकी सप्लाई है और काफ़ी अच्छा काम है। स्क्रीन में नीचे इनका नंबर भी चल रहा है, तो जो भी पशुपालक भाई भैंस लेने के इच्छुक हैं तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। मुर्रा नस्ल मैं कहूँगा हरियाणा जो है मुर्रा की खान है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे पशु आपको मिलते रहते हैं। साथ ही स्क्रीन में भाई का नंबर भी चल रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे जानना भी चाहूँगा कि आज जो हमने ये वीडियो बनाई है इसमें ये भैंसे आपको कैसी लगी। सभी भाई जितने भी देश विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप चैनल पे बने हुए हैं और इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है भाइयों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार।